छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक है। ये कमलनाथ का अभेद्य किला माना जाता है। इस बार बीजेपी इस किले को ढहाने के लिए पूरा जोर लगा रखी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ पैसे देकर लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नकुलनाथ के घर पर नोटों के बंडल हैं जिनका इस्तेमाल वो मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। नकुलनाथ जी बिल्कुल घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, मोदी जी की आंधी चल रही है और मुझे लगता है कि उनको हार बहुत साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए उन्होंने अब नोटतंत्र का सहारा ले लिया। कहीं बर्तन बांट रहे हैं, कहीं शराब बांट रहे हैं। अभी मुझे अहिर समाज के लोग आकर मुझसे मिले, कहा कि हमको बुलाया था और कहा कि 15 लाख रुपये का आपका मंगल भवन बना देंगे। इस प्रकार लोकतंत्र को नोटतंत्र के माध्यम से खरीदने की नकुलनाथ कोशिश कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि उनके जहां पर वो ठहरे हुए हैं उस घर की जांच करना चाहिए। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बोरों में नोट भरे हुए हैं, लोगों को बुला बुला के वो नोट बांट रहे हैं। वहाँ उनके यहाँ छापा मारना चाहिए। हमारे पास 8-10 और लोगों के नाम आए, हम कल चुनाव आयोग से हमारा प्रतिनिधि मिलेगा। और इस प्रकार चुनाव में जिस प्रकार अर्थतंत्र का उपयोग कर रही है कांग्रेस और नकुलनाथ जी, हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि छिंदवाड़ा पूरी लोकसभा को संवेदनशील घोषित करें और इनके वाहन जितने भी हैं उनकी रोज जांच करें। तो वहीं जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर बड़ा कटाक्ष किया। धन के दुरुपयोग के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास पैसा कहाँ है, वो तो बीजेपी के पास है और कैलाश विजयवर्गीय ने शायद अपने लिए ऐसा कहा होगा। वहीं कमलनाथ को बाहरी बताने वाले सीएम के बयान पर जीतू पटवारी ने कहा कि जो 50 साल वहां की सेवा कर रहा है उसे बाहरी कैसे कहा जा सकता। नोट कांग्रेस के पास है कहा तो बीजेपी के पास है और उन्होंने शायद अपने लिए कहा होगा। ये बीजेपी का जो जन के साथ धन का जो सदुपयोग दुरुपयोग है ये सर्वविदित है। मैं मानता हूँ कि जितने भी कहीं भी किसी भी प्रकार का जखीरा जब पकड़ा जाता है तो बीजेपी के ही लोग उसके पीछे निकलते हैं। बीजेपी के पास जो काला धन है, जो अलग अलग बॉन्ड के योजना के अंतर्गत लिया, वो एक नंबर में दिखता है, उससे 100 गुना ज़्यादा ब्लैक का पैसा है। और कैलाश विजयवर्गीय जी, मध्य प्रदेश की जनता और देश की मीडिया इसको अच्छे से जानती भी है।